मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हर परिस्थिति में सत्य के प्रति आग्रह रखने वाले सनातन धर्म की अटूट आस्था हैं। उनका जीवन हम सबको नकारात्मकता से दूर रहकर सत्य की राह पर चलते हुए विषम से विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन दर्शन के माध्यम से समूचे समाज का मार्गदर्शन करने वाली श्री राम कथा का श्रवण बहुत ही सौभाग्य की बात है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित सप्त दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में अंतिम दिन मंगलवार शाम विश्राम सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म परंपरा में श्री राम के बगैर आस्थावान जनता का काम हो ही नहीं सकता। आस्था सामूहिक हो तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की कथा का हर एक प्रसंग सभी आस्थावानों को याद है, फिर भी हम सभी इस कथा के साथ अत्यंत सहृदयता से जुड़कर उसमें वर्णित हर घटना अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं और अंततः सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आस्था एवं सकारात्मकता की भावना के साथ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है। यह पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। श्री राम का जन्म कब हुआ, इतिहासकार इसकी गणना करने में सफल ही नहीं हो पा रहे थे। यही नहीं, इसमें मिथक भी जोड़ने का प्रयास किया गया, पर अंततः सत्य की जीत हुई। सत्य का आग्रह और सत्य के मार्ग पर चलना ही भारत की आस्था है और सनातन धर्म की परंपरा एवं विशेषता भी। इसी परंपरा के अनुरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में पहली शर्त रखी थी, सत्याग्रह। सीएम योगी ने सभी लोगों के लिए श्री राम कथा के फलदायी एवं मंगलमयदायी होने की कामना की। 7 दिन तक श्री राम कथा का रसपान व्यासपीठ पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर असरफी भवन अयोध्या ने कराया। कथा के आखिरी दिन उन्होंने राम राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि रामायण काल के राम राज्य को वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकार कर रहे हैं। उनके राज में आमजन प्रसन्न थे तो दुष्ट व अपराधी दुखी और भयभीत। इस अवसर पर अलवर के सांसद महंत बालकनाथ दिगंबर अखाड़ा, अयोध्या के महंत सुरेश दास, कालिका मंदिर नई दिल्ली के महंत सुरेंद्रनाथ, नैमिषारण्य से आए स्वामी विद्या चैतन्य, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास समेत बड़ी संख्या में संतजन, यजमान व श्रद्धालु उपस्थित रहे। भजन प्राप्त करते हुए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम कथा के विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश प्रभु के प्रति प्रेमातिशय अनुराग अधिक होता है, उस प्रेमातिशय का नाम है परमा भक्ति। भक्ति पराभक्ति परमा भक्ति। दर्शन के पहले जो प्रभु के प्रति प्रेम है उस उसका नाम है भक्ति, और दर्शन के बाद जो प्रेमाधिक्य है उसका नाम है पराभक्ति, और दर्शन के बाद दर्शन फिर छूट जाएगा, हम दूर चले जाएंगे, फिर जो प्रभु के प्रति अत्यधिक अनुराग होता है उस अत्यधिक प्रीति अनुराग का नाम है परमा भक्ति। श्री राम कथा के पावन रसधारा में सभी भगवत प्रेमी यहाँ लाभ ले रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में भी भगवत सन्निधि में बड़े दिव्य सुंदर लाभ लेते हैं। अनेक अनेक ज्वलंत विषयों पर, आधुनिक ज्वलंत विषयों पर सुंदर विद्वान लोगों के संगोष्ठी में भाषण होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं, और सायंकाल भी लाभ लेते हैं। और बाली ने राम जी पर कोई दोष नहीं दिया, इसलिए बहुत लोग सभाएं करें, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रसंग में
राम जी पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्ति को व्यक्त नहीं करना चाहिए। साधक के जीवन में धन वैभव पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि आवे तो उसके बीच में रहते हुए भी, स्वीकार करते हुए भी, उसमें बिना लिप्त हुए भक्ति की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हनुमंत लाल जी ने किया। अगर धन कमाने की तृष्णा है और ये भाव रहे कि गोरक्ष पीठ में जब दो महापुण्यात्माओं की पुण्य स्मृति आएगी तो हम भी यजमान बनकर सेठ जी की तरह आनंद अनुभव करेंगे, तब तो महाराज यजमानों की तरह आपके द्रव्य का सदुपयोग हो जाएगा। और केवल धन कमाओगे तो चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, आने वाली पीढ़ी ऐसे करेगी। इसलिए तृष्णा सुरसा है, हनुमान जी एक साधक हैं, इसलिए तृष्णा के मुख से निकल करके बाहर आ गए। तमोगुण का ही तो स्वरूप है ना आतंकवाद आदि, इसलिए इनसे सौम्यता से नहीं बल्कि हनुमान जी ने एक घूंसा का प्रहार किया, जल के अंदर समुद्र में समा गई और हनुमंत लाल जी आगे बढ़ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। विभीषण जी को भक्ति है तो युक्ति भी है। विभीषण जी ने कहा कि देखो भैया, ये आपके शत्रु राम का नाम नहीं है। बोले फिर? बोले आपके रावण नाम का पहला अक्षर रा ले लिया और भाभी मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर मा ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, राम हो गया। और प्रसन्न होकर के हनुमंत लाल जी सोचे अब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन विभीषण जी की विनम्रता देखिए, कहते हैं आप चिंता मत करो। हनुमंत लाल जी भीषण जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, आप तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं कितना छोटा हूं, कितना दैन्य भाव। हनुमान जी कहते हैं प्रातः कोई मेरा नाम ले ले तो उसको आहाराकार तो भोजन नहीं मिलता, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ये भाव नहीं। हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल कोई मेरा नाम ले ले तो राम जी की भक्ति से इतना प्रभाव है कि उस दिन किसी कार्य में उसको हार नहीं मिलती, विजय ही विजय मिलती। सारी युक्ति भीषण जी ने बताया, हनुमान जी ने पता लगाया इस रामचरितमानस में। और वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को जब अशोक वाटिका में पहुंचाया, हनुमान जी कहते हैं कि रावण निश्चित महात्मा है, महात्मा भी कहते हैं, इन जानकी जी को प्रभु राम से दूर करके अभी भी रावण जीवित है, इसका मतलब ये पुण्यमान है, नहीं तो कब का इसका उद्धार कर दिए होते प्रभु राम। इन जानकी जी के लिए अगर प्रभु तीनों लोक को तहस नहस कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत चिंतन किया और सोचा किस भाषा में कब कैसे मैं जानकी जी से वार्तालाप करूं। बहुत विचारने के बाद अंत में सारी सेना लंका की ओर प्रस्थान की और जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उधर विभीषण ने बहुत समझाया, रावण समझाना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब प्रभु चरण शरण में भीषण जी आए हैं और प्रभु चरणों में निवेदन किया। सर्वलोक शरण्य होने के कारण राम जी की शरण में मैं भी आया हूं, निवेदन कर दीजिए प्रभु को। रोक दिया लोगों ने, सुग्रीव जी गए, प्रभु ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सबसे परामर्श लिया। किसी ने कहा शत्रु का भ्राता इसको पकड़कर बंदी बनाओ, पीट पीट कर वहां के बारे में पूछो। किसी ने कहा इसको पास में रखना ठीक नहीं, किसी ने कहा इसको एकांत में रख दो। सर्वसमर्थ सर्वज्ञ प्रभु राम ने सुग्रीव जी से पूछा आपका क्या मत है। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मेरे समझ से इस पर विश्वास करना ठीक नहीं,
विपत्ति में रावण को छोड़कर जो विभीषण आया, आप शरण में लिए तो इसको छोड़ने में क्या देर लगेगी। तब राम जी कहते हैं, सुग्रीव जी, दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते। आप ही तो वही हैं जो कहे थे जब तक बाली का वध न कर देंगे मुझे सुख न मिलेगा। आप भी तो हैं, आपके आपके ही तो भाई थे ना बाली, तुमने वध कराया ना, इसलिए दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते और मेरा जैसा पुत्र भी सब नहीं होते। अब तो सुग्रीव जी को थोड़ा दुख हो गया। सही कहा प्रभु ने, यही प्रभु का व्यवहार है कि एक क्षण में प्रभु गहन से गहन बात कहते हैं और अगले क्षण में ऐसी बात करेंगे कि सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, और आप जैसा कोई शुभचिंतक नहीं होगा दुनिया में। कितनी सुंदर आपने बात कही। तुरंत सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए। तब हनुमान जी से राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या मत है। हनुमान जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, आपको कुछ परामर्श देना, सूर्य को दीपक दिखाना है। मेरे समझ से प्रभु, इतने दिनों से रावण में दुष्टता देखते हुए, दुर्गुणों को देखते हुए और आपके सद्गुणों को सुनते हुए, अनुभव करते हुए, विभीषण जी रावण का त्याग कर आपकी शरण में आया है, इसलिए विभीषण को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, 100 अपराधियों में अगर एक अपराधी छूट जाए दंड से तो उतना दोष नहीं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को अगर दंड मिल जाए तो मेरी समझते बहुत बड़ा दोष होगा। आपके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव से आया हो, समर्पण भाव से आया हो, निर्दोष हो विभीषण, और अगर इसको ठुकरा देंगे तो इसको कितना कष्ट होगा। तब सबका मंत्रणा सुन करके प्रभु राम अपनी मंतव्य को बताते हैं। ये है हमारे प्रभु राम की उदारता, ये है हमारी संस्कृति। मेरी शरण में आया है ना, सम्मान पूर्वक उसको ले आओ। ये तो विभीषण है, अगर रावण भी शरण में आया हो निश्चल भाव से तो उसके लिए भी मेरा द्वार खुला हुआ है। शरणागत रक्षक कारण मैं, शरणागत रक्षक कारण मैं, इस भूतल में अवतार धरूं, इस भूतल में अवतार धरूं। श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो, श्री राम कहे सो ग्रीव सुनो, शरणागत त्याग मैं कभी न करूं, शरणागत त्याग मैं कभी न करूं। सरकार की राम जी की उद्घोषणा थी, त्रेता युग में अभय कर देंगे। ऐसे ही लोगों को कितनी कठिनाइयां महसूस होती थी, लेकिन महाराज जी के आगमन से और जब से हमारे उत्तर प्रदेश को आपने संभाला तब से उत्तम प्रदेश बन गया है, हर चीज में उत्तम। आज लोग पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे कोने में कहीं 24 घंटे में बहन बेटियां जा सकती हैं, व्यापारी वर्ग जा सकते हैं। पहले कितनी दिक्कतें होती थी, हर एक बिजली को लेकर, सफाई को लेकर, मार्ग को लेकर, आज सब में महाराज जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया है। और ये सब आप सबके संगठित होकर के आपके मनोभाव का एक परिणाम है। महाराज जी, आप सबकी सेवा के लिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए हर निष्प्रयास करते हैं, रात दिन। जैसे राम जी का कार्य था ना, रक्षिता जीव लोकस्य स्वजनस्य परिरक्षिता,
पहले राम जी प्रजा का ध्यान रखते हैं, भूख लगी हो भोजन नहीं करते, प्यास लगी हो पानी नहीं पीते, वही सद्गुण महाराज जी में है। पहले आपका ध्यान रखते हैं, फिर बाद में अपनों का ध्यान, और फिर अंत में अपना ध्यान रखते हैं। ऐसे सुव्यवस्था नहीं चलती, इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए तप करना पड़ता है, और वही त्याग तप महाराज जी में हम लोग देखते हैं। महाराज जी से सुबह चर्चा हो रही थी, 53 वर्ष पहले महाराज जी की पुण्यतिथि, पुण्यतिथि महापुरुषों की इसीलिए मनाई जाती है, जन्मतिथि नहीं मनाते, कोई बर्थडे नहीं मनाते, पुण्यतिथि इसीलिए क्योंकि जिन महापुरुषों ने महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जो युग पुरुष थे, युग पुरुष क्यों कहा जाता है, महाराज जी जैसे शिक्षा चिकित्सा और सनातन धर्म राम मंदिर गौ सेवा इन सब के लिए जो विस्तृत कार्य किया है, ऐसा महापुरुष युगों युगों में कभी प्रकट होता है, इसलिए युग पुरुष है महाराज जी। राष्ट्र संत हमारे भारत देश का गौरव है, जिसमें श्री राम जी से सत्य न्याय में चलने से, परस्पर प्रेम सौहार्द से समाज एकजुट होकर के रहे, इसके लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आहुति दी है, ऐसे महापुरुषों पुरुष की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, 8वीं पुण्यतिथि। और हमें तो महाराज ऐसा लगता है कि चाहे पूज्य श्री गंभीरनाथ जी महाराज हों, चाहे बड़े महाराज जी हों, महाराज जी हों, उनमें जितने गुण थे उन सारे गुण हमारे महाराज जी में एक साथ विराजमान हो गए। जैसे आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती है, आकाश कैसा है, आकाश जैसा, समुद्र कैसा है, समुद्र जैसे, वैसे राम रावण युद्ध कैसा था, बोले राम रावण युद्ध जैसा, कोई दूसरा धरती में युद्ध नहीं हुआ। अनेक प्रकार के माया का आश्रय मायावी राक्षसों ने लिया, लेकिन सत्य न्याय धर्म के सामने टिकते नहीं। एक दिन तो युद्ध में मायामयी जानकी बनाकर रावण ने राम जी को भेज दिया सिर काटकर। राम जी व्यथित दुखी हो गए, बोले अब तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आप सुग्रीव जी लौट जाइए, भीषण जी लौट जाइए। तब विभीषण जी ने समझाया, राघव ये तो मायामयी मूर्ति को काट करके आपके पास भेजा है, छद्म युद्ध करते हैं राक्षस। और जब युद्ध में पराजित होने लगा रावण, तो फिर एक दिन माया का आश्रय लिया, राम जी का माया में पुतला बना करके और युद्ध में जमीन में रख दिया, और कहा जानकी को ऊपर विमान पुष्पक में बैठा करके दिखाओ कि अब तो तुम्हारा स्वामी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मानो। जानकी जी पुष्पक विमान में बैठकर जब त्रिजटा के साथ गई, देखा जानकी जी ऊपर से नीचे कूदकर प्राण त्यागने लगी। तब त्रिजटा ने समझाया, लंका में 2 राक्षसी हैं जो जानकी जी का बहुत हित साधन करती हैं, राक्षस होते हुए भी बड़ी सात्विक हैं, एक तो त्रिजटा और एक शर्मा। शर्मा भीषण जी के दोनों संबंध में, तो त्रिजटा ने कहा नहीं नहीं देवी, तुम प्राण मत त्यागो, क्योंकि पुष्पक विमान की विशेषता है कि जिसका पति जीवित ना हो उसको लेकर यह विमान नहीं चलता है, ये विमान चल रहा है इसका मतलब तुम्हारा पति राम जीवित है। तब जानकी जी के प्राण बचे, हनुमान जी ने हजारों राक्षसों का उद्धार किया, सुग्रीव जी ने किया, नल नील ने किया, अंगद जी ने किया, और जिस समय कुंभकर्ण आया भयंकर रूप लेकर के, हजारों को पैर के नीचे कुचल देता, कईयों को हाथ से मसल देता, कई नाक से अंदर जाते पेट में और पेट से मुख से निकलकर बाहर आ जाते। तब प्रभु राम अपने प्रचंड धनुष को उठाया है, दिशाएं डगमगाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, देवता प्रसन्न चित्त तो है लेकिन घबराहट है। प्रभु राम ने अपने अमोघ बाण से कुंभकर्ण के शरीर को छलनी किया,
और बड़ी चीत्कार करता कुंभकर्ण जमीन में धराशायी हो पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। मेघनाद बहुत बलवान था, कुंभकर्ण और रावण से भी बलवान था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र रावण के पास नहीं था, कुंभकर्ण के पास नहीं, मेघनाद के पास था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कई बार माया का आश्रय लिया, लेकिन सब कुछ दूर करते हुए आज लखनलाल जी ने अपने प्रचंड बाण को प्रणाम कर प्रतिज्ञा की है कि मेरे प्रभु राम यदि सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, युद्ध में कभी पीछे पीठ नहीं दिखाए, और दशरथ पुत्र राम हैं, सरैनम जहि रावणिम, तो हे बाण तुम जाकर इस मेघनाद का वध कर दो। प्रभु की प्रतिज्ञा की है। जैसे प्रतिज्ञा सुनकर बाण चला है, दिशाएं डगमगाने लगी हैं, देवताओं में हाहाकार मच गया है, समुद्र में ज्वार भाटा गया है, सूर्य अस्त को प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन वो बाण आया है और मेघनाद के सिर को धड़ से काट कर अलग कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। अगस्त जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म सर समस्त आस्तिक जनों की प्रार्थना, मनोकामना, आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए जब प्रभु राम आगे बढ़े और अपने दिव्य सर को प्रयोग किया, तो राक्षस रावण जोर से राम नाम लेता हुआ धराशायी होकर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। ये तो राम जी का प्रचंड स्वरूप है, आसुरी लोगों को दमन करने का। और हृदय कैसा है? क्षणम रामो बिमना बभुवा। विभीषण जी जब दुखी हो गए रावण के वध पर, तो दो क्षण के लिए राम जी भी बड़े दुखी हो गए, बिमना बभुआ, विक्षिप्त जैसे हो गए। ये प्रभु का स्वभाव दोनों प्रतीत होता है। जानकी जी को हनुमान जी ने संदेश दिया है, सभी जितने सखा थे, सेवक थे, सब पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु राम के साथ अयोध्या पदार्पण करते हैं। इंद्र आए सेवा के लिए, प्रभु ने कहा हमारे सभी सेवकों को, प्रेमियों को, मित्रजनों को सारे वस्त्र भूषण अलंकार प्रदान करो। जानकी जी को लेकर प्रभु राम कहते हैं, वही समुद्र है जहां मैंने तेरे लिए सेतु का निर्माण किया, यही पंचवटी विराजोगी। बोले नहीं प्रभु, देखो चित्रकूट प्रयाग, देखो अयोध्या। एक रात्रि अवशिष्ट थी 14 वर्ष में। प्रयाग में विमान उतरा, हनुमान जी को प्रभु ने भेजा, जाओ भरत को संदेश दो, अगर उसका मन लग गया हो तो मैं वापस वन में जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि भरत लाल तो एक तरफ अभिषेक की तैयारी, एक तरफ चिता की तैयारी, राघव आएंगे तो कल अभिषेक करूंगा, राजा बनाकर कृतार्थ होऊंगा, और अगर नहीं आते तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस भाव को सुनते ही प्रातःकाल प्रभु राम अयोध्या पधारे। समस्त नर नारियों के मुख में एक ही बात है, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने। विमान उतरा, भरतलाल चरणों में पड़े, आपका राज्य मैंने 10 गुना अधिक करके दिया है, स्वीकार करो। चंद्रव्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना। जैसे स्वर्ग में देवता मिलकर देवराज इंद्र का राज्याभिषेक करते हैं, वैसे ऋषि मुनियों के साथ में, सात्विक जनों के साथ में मिलकर के मंत्रोच्चारण करते हुए राघवेंद्र सरकार को राज तिलक कर राजगादी में विराजमान किया है। समस्त देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया, बोलिए राजाधिराज राघवेंद्र सरकार की। मेरे राम के दिव्य गुणों का लाभ पूरी प्रजा को मिले। एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं, समस्त उस परम चेतना से प्रार्थना करते हैं, व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं,
कि हमारे महाराज जी के दिव्य गुणों का लाभ अभी केवल उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण भारतवासी लोग आपके दिव्य गुणों का, आपकी उदारता का, आपकी सहजता का, सरलता का, राजकीय जो गुण होने चाहिए सारी जनता को सुखी होने का, वो समस्त आपके गुणों का लाभ पूरा देश हमारा प्राप्त करे, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप सब ने बहुत प्रेम से कथा सुनी, आप सब के लिए प्रभु चरणों में भक्ति प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी 7 दिन की भगवत कथा राम कथा को महापुरुषद्वय के पुण्य चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संत समाज के लिए, भारतीय लोगों के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, जन जन के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, तप किया है, मार्गदर्शन किया है, युगों युगों तक हम सब उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये प्रतिवर्ष इसीलिए आयोजन किया जाता है कि कुछ कृतज्ञता महाराज श्री को हम लोग समर्पित कर सकें। 2 बार प्रभु का पावन नाम स्मरण करते हुए फिर वाणी को विश्राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, पुण्य स्मृति समारोह की, गोरक्ष पीठ की, राजाधिराज महाराज श्री की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की जय हो, जय जय सीता। और अब बिना गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संवाहक हैं, हमारे संदेशवाहक हैं, हमारे लिए जीवन का पथ प्रदर्शित करते हैं, जीवन को आलोकित करते हैं, विभिन्न आयामों से हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनके आशीर्वाद के बगैर ये सभा पूरी ही नहीं हो सकती है। इसके पहले की आरती हो, हम सबको परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अपने परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के साप्ताहिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के विराम के आज के इस कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन, विगत 1 सप्ताह से आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण यहां पर किया, इसका आनंद भी लिया और उससे ज्ञानवर्धन भी किया है। और आज कथा का विश्राम है, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से प्रभु श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि कथा आप सबके लिए फलदायी हो, आपके जीवन को मंगलमय करे, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को मंगलमय बनाए, इस विश्वास के साथ आज कार्यक्रम यहां पर समारोह की ओर बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं भारत की सनातन धर्म की परंपरा में राम के बगैर भारत की सनातन आस्थावान जनता का कोई काम हो ही नहीं सकता।
आस्था जब सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। कथाभ्यास से पूज्य स्वामी जी ने बड़ी ही रोचक भाषा में सहज और सरलता के साथ श्री राम कथा का वाचन किया, आप सब ने सुना। और कथा के पीछे का मर्म भी सब व्यक्ति हर श्रद्धालु जानता है। मुझे लगता है कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा कि इस प्रसंग के बाद अब क्या होने जा रहा है, इस प्रसंग के बाद अब क्या होगा, हर एक प्रसंग उसको मालूम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा है तो उस कथा के साथ हम सब की आत्मीयता इस रूप में जुड़ी होती है कि ऐसे लगता है कि जो भगवान राम के जीवन में घटित हुआ वह हम सब की इर्द गिर्द घटित होने वाली घटना से मेल खाती है। और मानव रूप में भगवान का यह रूप हमें चुनौतियों से जूझने की कैसे प्रेरणा प्रदान करता है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है, ये बहुत सारी प्रेरणाएं उन सभी प्रसंगों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। और ये तो भगवान की परमपिता परमेश्वर की साक्षात कथा है जो मानवीय रूप में हम सबको सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। हम राम का स्मरण करेंगे, राम की कथा का श्रवण करेंगे तो शुभ ही शुभ होगा। जब भी हम नकारात्मक दिशा में सोचेंगे तो हमारी सोच अगर नकारात्मक होगी तो परिणाम सकारात्मक नहीं हो सकते। परिणाम सकारात्मक लाने के लिए हमें शुभ सोचना भी पड़ेगा, सकारात्मक सोच को बनाना भी पड़ेगा। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे सामाजिक जीवन में भी सदैव घटित होता है। भगवान राम की इस पावन कथा का आनंद विगत एक सप्ताह से आप सब ने लिया। पूरा देश श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किस प्रकार की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था, यह देश और दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय था। पूरी दुनिया देख रही थी कि वास्तव में भगवान राम का जन्म कब हुआ। हम शास्त्रीय प्रमाणों से उसे प्रमाणित करते हैं लेकिन आज के इतिहासकार उस गणना को करने में उतना सफल नहीं हो पा रहे थे। पाश्चात्य इतिहासकार तो उसके बारे में कोई जानकारी रखते ही नहीं थे क्योंकि उसके साथ उन्होंने एक मिथक जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण भारत की आस्था के सम्मान को ही प्रदर्शित करता है और यही है भारत की आस्था, यही है भारत का सनातन धर्म जो सत्य के मार्ग का हमेशा आग्रही रहा है। और इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आजादी के आंदोलन की पहली शर्त रखी थी सत्याग्रह। यही सनातन धर्म का मूल है, हम सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। भगवान की इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य एक सप्ताह तक आप सबको प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से कथा व्यास पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हृदय से उन्हें आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से साधुवाद भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। उनके साथ इस कथा को रोचक बनाने के लिए अयोध्या धाम से ही जो पधारे उनके साथ में तमाम कलाकार भी थे, जिन लोगों ने यहाँ पर इस पूरी कथा को रोचक बनाने में वाद्य यंत्रों के साथ और सस्वर गायन के माध्यम से भी इस कथा को और भी रोचक बनाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी मैं हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ।
आयोजन समिति से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और यजमानगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी यहाँ के आयोजन समिति और व्यवस्था से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, उन सबको भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सप्ताह तक इस पावन कथा और इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से समाज के मन में सन्मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान करने का एक अवसर इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हमें सदैव प्रदान करते हैं। मैं इसके लिए उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पावन कथा के आयोजन का लाभ और इसकी सिद्धि आप सबको प्राप्त हो, भगवान गोरक्षनाथ जी से भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम। राम जी की लीला आरती श्री रामायण जी की, ललित ललित सी अपेकी आरती श्री रामायण जी की, ललित ललित सी अपेकी कावत ब्रह्मा दिख मुनि ज्ञान विकार सुख संता दिशे से अनुसार परनी पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सी अपेकी कावत वेद पुराण अष्टद कौसालित ललित सी अपेकी कावत संतत सुख भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी हार्दिक्य ग्रहणाम् हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामकथा महायज्ञ। आरती और प्रसाद की व्यवस्था दोनों दरवाजों पर सभागार के बाहर है।